भाजपा नेता एवं एपीडा बोर्ड के डायरेक्टर चेतन सिंह ने चमोली में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही को हृदय विदारक बताते हुए प्रार्थना की है कि भगवान कम से कम क्षति से इस संकट से लोगों को उबारने की कृपा करें। एपीडा बोर्ड डायरेक्टर चेतन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सेना को हर संभव मदद के लिए भेजा है। स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य सरकार भी इस आपदा से निपटने में लगी हुई है। चेतन सिंह ने कहा कि वर्ष 2013 में भी यहां हम आपदा का सामना कर चुके हैं। उन्होंने प्रार्थना की है कि इस आपदा में कम से कम क्षति के साथ लोग उबर सके। देवभूमि चमोली में जो ग्लेशियर टूटने की घटना हुई, निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक घटना है। उत्तरांचल में इस प्रकार की घटना का एक रूप हम 2013 में देख चुके हैं। हम तो परमपिता परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि उस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस घटना को लेकर के समीक्षा बैठक की। माननीय गृह मंत्री जी ने NDRF और सेना को आदेश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के राहत कार्य प्रारंभ किए जाएं। साथ ही साथ वहां के मुख्यमंत्री भी लगातार इस सारी घटना पर निगरानी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि न्यूनतम कैजुअलिटी के साथ इस सारी घटना को उचित समय पर शासन प्रशासन सेना मिल करके इसको टैकल करेंगे। परमपिता परमेश्वर से निवेदन है कि देवभूमि पर आए हुए संकट को हरण करने की इच्छा शक्ति इंसान में भी दे और भगवान की भी कृपा रहे। निश्चित रूप से घटना कहीं ना कहीं सारे देशवासियों का मन झकझोर करके रख देती है। साथ ही साथ विपक्ष की उस नकारात्मक टिप्पणी का भी हमको इंतजार है, जो सदैव नकारात्मक के साथ एक मक्खी की तरह इंसान में जख्म को ढूंढती रहती है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।